Assalamualaikum, Health Nation TV पे आपके साथ निदा खान, Health is Well. आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम Health is Well और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैशन हेल्थ के हवाले से. हम बात करेंगे फैशन हेल्थ क्या चीज़ है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ हैं वो है आदिल इकबाल. तो आए हम इनसे बात करते हैं. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आदिल. अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा आदिल, जो प्रोग्राम है हमारा हेल्थ इज वेल, तो आज हमने सोचा कि हम आपको इनवाइट करें और आपसे थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बात की जाए. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया के फॉर हैविंग मी हियर. हेल्थ के बारे में बात करेंगे आज. हेल्थ के बारे में अभी जैसे आपने कहा कि हेल्थ इज वेल, दैट्स मतलब आपकी सेहत है तो सब कुछ है. जी. अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी सेहत होगी तो यू कैन स्टडी, यू कैन वर्क, एनीथिंग जो आप करना चाहो. जी. सेहत का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि देखिए इंसान है, ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है. जी. ठीक है, तो आप अच्छी सेहत के साथ अगर रहोगे तो आप अपनी पढ़ाई, अपने काम, फिर आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक अच्छी सेहत होगी तो सब कुछ होगा. ये अच्छा तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह फैशन डिजाइनर हैं और इतनी बिजी मतलब आपकी लाइफ होती है, तो इसमें आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखते हैं? अच्छा, मैं अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले तो नो बैड हैबिट्स. ठीक है, मतलब आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ लाइक, मतलब मैं कोई स्मोकर नहीं हूँ. अच्छा. ठीक है, इवन आई एम नॉट ईट डिपेंडेंट, यानी कि पान वगैरह की सब चीजें मैं डू. सही. यूज दैट. ठीक है, सबसे पहले तो गुड हैबिट्स होनी चाहिए. दूसरा, खाना खाइए घर का खाइए, बाहर खाने की जरूरत नहीं. हाँ ठीक है, ओकेजनली इट्स ओके. ठीक है, सेकेंडली जो ड्रिंक्स है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं. अच्छा. दूसरा, मेरा जो रूटीन लाइफ है, जैसे नमाज पढ़ना, घर के काम है, मेरी अपनी स्टडी है. जी. ठीक है, फिर मेरे अपने काम है. जी. ये सारी चीजें करने के बावजूद मैं एक्सरसाइज करता हूँ. एक्सरसाइज कैसे करता हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग मैं ब्रिस्क वॉक करता हूँ, स्लो फास्ट. अच्छा. ठीक है, 10 मिनट्स. बाकी अपने स्पॉर्ट्स वगैरह करता हूँ. ठीक है, और पानी का इंटेक ज्यादा रखता हूँ. ठीक है, और डाइट अच्छी लेता हूँ. अच्छा. ठीक है, इवन के इंस्टेड ऑफ जूसेस आई टेक फ्रूट्स. ठीक है, तो इस तरह मतलब आई कीप माई सेल्फ गुड एंड हेल्थी. अच्छा, मेरे ख्याल से जो मैं सोचती हूँ वैसे जो लाइफ में जो एक्सरसाइज वॉक की ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी है, है ना. तो इससे ज़्यादा और ज़्यादातर लाइफ में जो मतलब आपके जो है खाने रूटीन जो है ना, फ्रूट्स वगैरह पे आप आए और ये एक्सरसाइज वॉक वगैरह करें, तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए. देखिए, हेल्थ के लिए वॉक तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा होता है. जी. ठीक है, आपका बॉडी एक अच्छी शेप में रहता है. सही. आपके कैलोरीज बर्न होती हैं. ठीक है, फ्रूट्स की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जूस से ज्यादा बेहतर फ्रूट्स है. जी. क्योंकि जब हम फ्रूट खाते हैं तो उसके छिलके में भी अल्लाह ताला ने तासीर रखी है. ठीक है, तो फ्रूट्स खाना इज गुड फॉर हेल्थ. अच्छा, अब एक बात ये आई कि देखिए काम सब करते हैं, एक्टिव होते हैं. जी. लेकिन वॉक को खास तौर पे, ठीक है, जैसे डायबिटिक पेशेंट इवन के उनके लिए वॉक बहुत अच्छी है. सही है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए वॉक बहुत बेस्ट है. तो इसी तरह अगर नॉर्मल पर्सन इन टर्म्स ऑफ जिसको ये प्रॉब्लम्स ना हो, वो भी वॉक करेगा तो बॉडी भी अच्छे शेप में रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बोन्स स्ट्रांग होंगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा रहेगा. तो इस वजह से वॉक फिर डाइजेस्ट भी बहुत अच्छा करता है. डाइजेशन में भी आपके आपका स्टेमिना इंक्रीज करता है. जी. ठीक है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है. सही. ठीक है, तो वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सही. अच्छा, कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि अगर हम स्मार्ट हैं तो मुझे मतलब वॉक की जरूरत नहीं है. ये चीज मैं कहती हूँ कि मेरे खाते वॉक तो हर कोई कर सकता है. ठीक है, वॉक हर कोई कर सकता है, लेकिन जिनकी बॉडी स्मार्ट है, बट दे शुड डू सम एक्टिविटी, लाइक कैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना. जी. ठीक है, क्योंकि रिदम और रनिंग मस्ट है. सही है, आप अगर मिसाल के तौर पर बहुत फिट हैं. जी. ठीक है, लेकिन आपके कोई एक्टिविटी नहीं है. जी. तो फिर आप ऐसे फिट नहीं रहोगे. सही कह रहे हैं. ठीक है, तो एक चीज को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई, आइदर इट्स स्पोर्ट्स और यू गो फॉर द जिम. जी. लेकिन कुछ ना कुछ आप 5 मिनट करो,
बट सही करना चाहिए। सही बात है। अच्छा और आगे लोग बताएं कि मतलब अगर सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के हवाले से थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि अगर स्किन की उस पर बात करें कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो ऐसा क्या चीज है मतलब कि स्किन नॉर्मल रहे, आप ऐसी क्या चीज यूज करते हैं? डाइट में पूछ रहे हो या मतलब कि हम कोई इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक पूछ रहे हो? कुछ भी मतलब जो है डाइट में भी बता दें और जैसे कॉस्मेटिक होने के। देखिए डाइट में तो ये है कि सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है, ये बात है ठीक है। अच्छा सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है और पानी का इंटेक कम हो जाता है जी, ठीक है। अच्छा पानी का इंटेक तो आपने रखना ही रखना, सही। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा होगा तो आपके कभी भी स्किन नहीं फटेगी जी, ये सही कह रहे हैं, ठीक है। होंठ नहीं फटेंगे आपके, जो स्किन होती है, ठीक है। डाइट आप भरपूर लें, सही, जरूर लें, मगर लेट आवर्स ना लें, क्यों? क्योंकि हजम नहीं हो पाता, सही, ठीक है। अच्छा दूसरी क्या चीज पूछी थी आपने मुझसे कि जैसे उसकी कॉस्मेटिक किस पे अगर हम करें तो भाई पेट्रोलियम जेली आती है जी, ठीक है, और मुख्तलिफ क्रीम्स है, ठीक है, लोशंस है, लोशन ज्यादा ऊपर वो आप लगाइए, ठीक है, और रात में सोने से पहले लगाइए जी, सुबह वार्म वाटर से उसको वॉश कीजिए, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन पेट्रोलियम जेली इज द बेस्ट के जो आपको, अदर देन देयर आर सो मेनी रेमेडीज फॉर दैट, बट सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है कि हम उन चीजों को कर सके, तो इजी ऑप्शन तो मेरी नजर में जो है वो पेट्रोलियम जेली, मतलब पेट्रोलियम जेली। सही सही और कुछ बताएं हेल्थ के हवाले से? हेल्थ के हवाले से ये है कि आजकल ड्राई फ्रूट से है, ठीक है, बादाम खाइए, ठीक है, अखरोट है, सही, अंजीर है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स का मजा लें और अच्छे। अच्छा सर्दियों में मूंगफली खाने का बड़ा मजा आता है। हाँ बिल्कुल, मगर मूंगफली के बाद फौरन पानी नहीं पीना, खांसी आती है, क्योंकि उससे खांसी जाती है, ये चीज मेरे साथ हुई है। हाँ बिल्कुल, तो इत्तेफाक में कल रात मैंने मूंगफली खाई, हालांकि मैं मूंगफली नहीं खाता नहीं, ठीक है, तो मुझे जो है वो खुबानी हो गए, बादाम हो गए, ठीक है, और अंजीर है, तो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं। बता देखें अल्लाह ताला ने हर सीजन के फल हर मौसम के सब चीजों के, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स हो गया, तावा हो गया, चाय हो गया, कॉफी बहुत ही है, लेकिन कॉफी इतनी ज्यादा ना पीने, ठीक है, सही, क्योंकि कॉफी आपकी किडनीज को और आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती है, सही, ठीक है, और कॉफी पिए मगर इतनी नॉर्मल, सही, तो इस तरह करके आप हेल्थ वाइज फ्रूट्स हैं, ठीक है, फिर आपके साग बनता है सरसों का साग, सरसों का साग है, तो बहुत सारी चीजें हैं, गाजर का हलवा हो गया, ठीक है, लौकी का हलवा हो गया, तो ये बड़े सर्दियों में तो खास तौर पे इन चीजों का, लोगों को पकवान का बहुत शौक होता है, पकवान का बहुत शौक होता है। अच्छा वेजिटेबल्स ज्यादा सर्दियों में बहुत अच्छी आती है, सही है, और वेजिटेबल्स का ज्यादा मैं कहती हूँ की इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, वेजिटेबल का है ना, और जूस वगैरह जो होता है गाजर का हो गया और ऑरेंज लेकिन एप्पल का मैं शेक बनाता हूँ, मिल्क के साथ आप ट्राई करके देखें, आई एम टेलिंग यू आई स्वेयर बहुत मजा आएगा, अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट होता है, चाहे आप उसका छिलका पील कर लो, उतार लो, या छिलके के साथ कर लो, सही, दूध में आप एप्पल को ब्लेंड करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है क्या, मैं जो हूँ ना वो असल में जो मिल्क शेक ज्यादा यूज मुझे नहीं पसंद, तो मैं इस वजह से जो है ना मिल्क शेक जो है ना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, जूस वगैरह करती थी, अगर मिल्क शेक में पसंद करती हूँ तो पाइनएप्पल शेक अच्छा रहता है, पीना कलोटा रहता है, वो मुझे पसंद है, उसके अलावा मुझे इतना नहीं हुआ, सिर्फ जूस का वो भी मूड होता है चीज का, और ड्राई फ्रूट्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स पे जो कुछ कुछ वो है जो रोस्टेड होते हैं, रोस्टेड होते हैं बिल्कुल, वो मुझे हाँ बस वो पसंद है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, बिल्कुल, देखें कोई भी चीज का ज्यादा होना भी नुकसानदेह है, जी, हर चीज नॉर्मल हो, एक नॉर्मल उसमें खाइए, ठीक है, अब जैसे बादाम के फवायदे हैं, अखरोट के फवायदे हैं, लेकिन कोई भी चीज का ज्यादा एक्सेस होना, सही बात है, इफेक्ट क्यों है, ठीक है, जैसे वो वाली मिसाल दूंगा, जैसे आप सॉल्ट तो सालन में है, ठीक है, लेकिन जो आप ऊपर से जो स्प्रिंकल करते हो, दैट इज वेरी डेंजरस, शुगर है,
ठीक है, आप इसमें शुगर की एक्स्ट्रा क्वांटिटी कर रहे हो, दैट इज आल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो आप किसी भी चीज की ज्यादती वो नुकसान कर सकते हैं। और आप अपनी चाहे सर्दियां हो या गर्मी हो, पानी का इंटेक रखें, नींद प्रॉपर लें, ठीक है, खाना खाएं मगर प्लीज घर का खाना, हाइजीन, ठीक है, तो उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा आदित्य, थोड़ा ये बताए मुझे कि जैसे आप फैशन डिजाइनर हैं, तो फैशन डिजाइनर के उसमें मैं आपसे बात करती हूँ कि फैशन की तरफ अगर हम आए तो ये हेल्थ के लिए फैशन करना मतलब कितना फिट होना जरूरी है, कि होता है कि फैशन के लिए और एक हेल्थ के उस पर हम रखें, अगर एक इंसान की हेल्थ जो कि वो खुद सही नहीं है तो उसमें फैशन सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या है मतलब उसका, आप थोड़ा सा इसको अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज ये कि जब आप तैयार होते हो जी, तो आप इसलिए तैयार होते हो या इसलिए अपने आप को प्रॉपर वेयर अप करते हो ताकि आपको अच्छा लगे, सही, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखिए हर एक की अपनी ख्वाहिशात होती है जी, हर एक की अपनी चॉइसेस होती है, ठीक है। अब बात दो किस्म की आती है, या तो आप वो चीज पहनो जो आप पर सूट करे, सही, या अगर आप पे वो चीज सूट नहीं करी तो आप अपने आप को उस चीज को पहनने के लिए उस मेयार पे लाओ, यानी उस लेवल पे लेके आओ, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कोई बहुत हेल्दी है, सही, स्टॉट बॉडी है, ये मोटे हैं, ठीक है, अब पहने हुए जी लोग हंस रहे हैं देख भी रहे हैं, अब उसमें हम एज ए डिजाइनर एक काम ये करते हैं कि हम उनके कट्स और वॉल्यूम कपड़े का वो बढ़ा देते हैं, उससे वो उनके एतबार से वो स्लिम फिट लगते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करें कि वो स्लिम फिट लगते हैं, जबकि वो स्लिम नहीं होते हैं, क्योंकि कपड़े का जितने भी हेल्दी लोग होते हैं वो कपड़े की वॉल्यूम से मुराद है कपड़े की तादाद ज्यादा रखती है, और उनका कट पैटर्न ऐसा बनता है कि दे लुक स्मार्ट, दे लुक गुड, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं अपनी एक बात करूँ, जैसे बीइंग एज ए डिजाइनर, ठीक है, अब मुझे है कि भाई मैंने शूटिंग कर ली, ठीक है, तो माय टमी शुड बी इन, फ्लैट होनी चाहिए। अब मैं एक हेल्दी टमी लेके पहुंच जाऊं तो व्हाट द इमेज एम आई गिविंग, क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि देखो ये फैशन कराता है, ये स्टाइलिंग कराता है, जब ये खुद फिट नहीं है, जब ये खुद इसको पता ही नहीं है कि क्या पहनना है कैसे पहनना है, अगर इसका बॉडी टेंडेंसी ऐसा है या इसका बॉडी का शेप ऐसा है, ठीक है, तो क्या ये उस यानी कि इसने अपने आप को खुद प्रॉपर नहीं रखा हुआ, तो ये हमें कैसे प्रॉपर रखेगा, यही है ना। तो देखिए उसके लिए प्रॉपरली आप एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, नींद पूरी लें, डाइट का ख्याल रखें, कलर्स चीजें वो पहने जो आपके अपने ऊपर अच्छी लगे, सूट करें, ठीक है, क्योंकि अमूमन मैं मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मुझे जब मैं लोगों को देखता हूँ ना कि मतलब इतने अच्छे कपड़े पहने हुए मतलब बिल्कुल आउट ऑफ शेप है, बहुत आउट ऑफ शेप है, तो ना अब लोग तारीफ तो कर देते वाह भाई कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं कहते कि आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, वो बेचारे उसी कॉम्प्लीमेंट में खुश रहते हैं कि भाई तारीफ हो गई, ठीक है। आप अपनी बॉडी को प्रॉपर फिट करो, अपने आप को स्मार्ट करो, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है एक बुजुर्ग लोग होते हैं, लेकिन मैंने इवन आई रिमेम्बर माई फादर, अल्लाह ताला उनकी मुझे समझा, मैंने बाबा के अंदर एक चीज़ ये देखी थी कि मतलब एक तो माशाल्लाह नमाजी परहेजगार थे, लेकिन एक्सरसाइज इतनी ओल्ड एज में भी वो एक्सरसाइज करते थे, और कपड़े बड़े तरीके से वेयरअप करना, उसी की मैचिंग की स्लीपर्स होना, इवन दो ही यूज टू वेयर द जीना कैप्स, अच्छा, वो भी मैचिंग की, ठीक है, एक बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़ी बुजुर्ग शख्सियत, लेकिन इतने ओल्ड एज में भी ही यूज टू केयर ऑफ हिज हेल्थ, खुद ही मेडिसिन टाइम पे, अच्छा, ठीक है, वॉक करना, ठीक है, सही। तो जब इतने बड़े उम्र के लोग अपना ख्याल रख सकते हैं तो फिर हम लोग तो फिर भी यंग है, सही बात है, ठीक है, और जब अच्छी सेहत होगी तो पाकिस्तान भी हेल्दी होगा ना, सही, हलेगा फूलेगा, हेल्दी पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा खाएं, नो बैड हैबिट्स, एंड डू योर एक्सरसाइज और डू एनी एक्टिविटीज व्हिच यू लाइक, स्टॉप यूजिंग द मोबाइल फोन्स, द लैपटॉप्स, टैबलेट, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ ये देखी कि हम लोग लेटर ऑन
मेंटली और फिजिकली बहुत बीमार हो जाएंगे जी। एवरीथिंग मतलब आप कहीं चले जाओ मोबाइल फोन कहीं पहुंचे सेल्फी, ईद पे बैठे हुए चैटिंग, ईद पे बैठे हुए सेल्फियाँ, कोई किसी का इंतकाल हो गया है कि कोई पैदा हुआ है, आपकी लोकेशन कहाँ है, आप क्या करो, व्हाई यू गिविंग द इंफॉर्मेशन इन दैट। ठीक है, लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंस आ गया है, फैमिलीज की वो वैल्यूज खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ आज भी हमें याद है कि हम जब बैठते थे अपने वालिद साहब के साथ, सो वी आर नॉट अलाउड टू यूज द मोबाइल फोन, ये नहीं कि मना क्या हुआ था, नहीं, मतलब हर वक्त ये चीज। ठीक है, लोगों का टीवी की तरफ से तो रुझान वैसे ही कम हो गया। अच्छा, इंटरनेट जब से आया लोगों ने किताबें पढ़ना कम कर दी। ठीक है, आपकी लाइब्रेरीज खाली पड़ी हुई है। ठीक है, हर चीज अच्छा। दूसरा, जो बच्चे या जो नौजवान जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पहले रिसर्च पढ़ते थे, करते थे, इधर उधर जाके सर्वे करते थे, देन दे राइट समथिंग और उनकी नॉलेज इस तरह देना पड़ती थी, या अपने बड़ों के साथ बैठ के डिस्कशन होता था, आपके एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, यू कैन जस्ट कट एंड कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट दिस। आपको एक हेल्दी और एक आपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अल्लाह ने दिमाग दिए, अल्लाह ने आपको आंखें दी है, आप उसका इस्तेमाल प्रॉपर जगह पे करें। मोबाइल का ज्यादा एक्सेस यूज करना भी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, ना दिमाग सुकून में है, आंखें कमजोर अलग, ठीक है, चिड़चिड़ापना अलग, अगर घर वाले बोलते हैं कि दैट व्हाई यू आर यूजिंग दिस, इसको भी कम करें। मेन चीज मोबाइल। और जब मोबाइल मतलब रात में तक नहीं देखो तो नींद नहीं आती, तो ये हमने इसका हैबिचुअल बनाया ना, तो वो हर किसी के साथ ऐसा होता है कि मोबाइल लेटते हुए मतलब एक ही टाइम है रात का कि भाई रात में मोबाइल लाजमी, एडिक्शन हो गई है। हाँ, एडिक्शन हो गई है, क्योंकि आजकल एक लोअर तबके से लेके अपर हाई क्लास तक चले गए, एवरीवन हैव एन एंड्रॉइड सेल फोन। ठीक है, तो ये इसमें गलती हमारी है, अगर मिसाल तौर पर कोई चीज हमने फेस की, हमें एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो हम वो आगे पहुँचाएं, यानी कि अपने बच्चों में, अपने भाई बहनों में, अपने लोगों में, किसको कम इस्तेमाल करो। बच्चे को आप एक्टिविटीज कराओ, कलरिंग बुक दो, ठीक है, उसको किसी न किसी चीज़ में लगाओ कि वो बच्चा कुछ ना कुछ करे, बेशक आप अपने घर के कामों में उसको अपने साथ लगाए, ताकि कहीं पर जाने साथ लेके जाए, उसको चीज़ें दिखाएं बताएं, रादर देन दैट कि वो सेलफोन में या टैबलेट में लगा रहे, इससे बहुत मेंटली और फिजिकल थोड़ी देर बाद वो टाइम गुजर जाता है, चलो मतलब मोबाइल ऐसी चीज है। और अगर एक इवन ऐसी चीज मतलब ये होता है कि पहले तो होता था हर चीज़ की दूरी का एहसास होता था कि किसी बंदे से अगर आप मतलब कांटेक्ट में हो रहा, कोई इंतजार होता था कि वो चीज़ मतलब आएगा, या कोई आप किसी का इंतजार नहीं, बंदा आप इंतजार कर चलो तो मोबाइल यूज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मोहब्बत खत्म। क्योंकि देखिए मुझे याद है चीज, अभी एक तो बच्चे मोबाइल फोन में गेम्स में बहुत लगे हुए, ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया इतना एडवांस होता चला जा रहा है कि सब कुछ उसी में ही है। ठीक है, एक वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा था जो हम इंतजार करते थे कि खत आएगा, तो खत काफी दिनों में आता था, अब तो एवरीथिंग इज बड़े जो है ना घर के, उनको मैं कहूंगी जब तक वो खुद नहीं होंगे सही, खुद मतलब हर चीज का नहीं करेंगे कि कब इस्तेमाल करना है कभी, तो बच्चे तो वो देख के करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें बेटियां बाप को देख के सीखती है जी। बेटे बाप को देख के सीखते हैं, और कहा जाता है कि कहीं पर जैसे रिश्ता करना हो सही, अगर आप लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी माँ को देखें। सही बात है, ठीक है ना, तो उनके जो अदब और अदाब होंगे उससे आपको आइडिया जाएगा कि इनके क्या होंगे। सही बात, ठीक है, तरबियत नेसेसरी है। ठीक है, एक चीज मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं अगले को कैसे स्टॉप करूँगा। सही बात है, नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले खुद इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करता, मैं करता हूँ लेकिन जरूरत के तहत, मेरा इतना वो नहीं है कि बस हर वक्त ही, इवन तो मैं इतनी सेल्फीज नहीं लेता, वो मेरी अपनी खैर एक चॉइस है, आप मेरे सेल्फीज लें, आप 100 सेल्फियां लें, लेकिन आप मोबाइल में इतने इंडल्ज नहीं हो, मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट ना करें मोबाइल के अंदर, या आपकी सब कुछ जीना मन नहीं उसमें हो गया, वो कीप योर सेल्फ प्राइवेट, अपनी भी प्राइवेसी रखें। आप अगर किसी होटल में बैठे हैं, यू आर टेलिंग द अदर पीपल कि आपकी लोकेट कहाँ है, ये बड़ी हार्मफुल होती है, ये चीजें बड़ी रिस्की हो जाती है।
तो बस इन शॉर्ट ये है कि गुड हेल्थ विथ नो बैड हैबिट्स, ईट फूड गुड हेल्दी फूड, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नमाज पढ़ो, ठीक है, क्योंकि नमाज इटसेल्फ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, सवाब अजर तो है, फर्ज है, अ पार्ट ऑफ दैट आप रुकू में जाते हैं, आप सजदे में जाते हैं, आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ब्रेन तक जाता है, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती है, आपकी नजर अच्छी होती है, मतलब काफी चीजें पूरा ओवरऑल ठीक है, स्किन अच्छी हो जाती है, स्किन अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप वजू करते हैं, ठीक है, अल्लाह की रहमत भी है और नेमत भी है, सही बात है। तो ये सारी चीजें मतलब मैं खुद अमल करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, किसी और दूसरे आई डोंट टेक एनी बैड हैबिट्स, ठीक है, बाकी ये कि अपना टाइम से सोना, हाँ नींद में कभी अप एंड डाउन हो जाता है, सही बात है, लेकिन एक रूटीन लाइफ मतलब हेल्थ का ये है कि अपने आप को फिट रखेंगे तो हर चीज फैशन अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं और हम लोगों का मूड होता है कि भाई हमें जाना है, हर चीज ड्रेसिंग होगी हमारी, लेकिन अगर बीमार होगा तो मूड नहीं होता, तो हमें मूड नहीं जाता, क्योंकि देखिए ना सब टाइम हमारे पास भी ऐसी एडवाइस आती है, जैसे मिसाल के फीमेल पे दो बार में बताऊं जी, जैसे फेस बहुत ब्रॉड है जी, ठीक है, अब उस पे इतने हेवी अगर इयररिंग्स पहन लेगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी जी, तो उनको फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप लाइट डेलिकेटेड पहने, लेकिन अगर किसी का यानी कि ज्वालिन या बहुत थिन फेस है, पतला फेस है, ठीक है, फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप बड़ी पहनो ताकि अच्छा लगे, ठीक है, इसी तरह जो मर्द हजरात हैं इतना मतलब माशाल्लाह हेल्दी फेस और उस पर हाई नेक पहन लें, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, फिर मतलब वो जीन्स आ नहीं रही मगर फिर भी पहन रहे, ठीक है, कीप योरसेल्फ फिट, वेयर इट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पूरी दुनिया लीन होके घूमे पतली होके स्मार्ट लोग भी होते हैं, लेकिन अपनी मतलब मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा पहने और वो पहने कि जो आपका अच्छा, ये है सही, अच्छा आदि बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम है, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, और आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि आज प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आज प्रोग्राम जो था वो हमारा था हेल्थ इस वेल में जो था वो फैशन के उसमें कि हेल्थ, यही आदि ने कहा कि अपनी हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आप पे हर फैशन अच्छा लगेगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब तक के लिए नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगी किसी अच्छे और नए गेस्ट के साथ, जब तक ले जा रही थी विदा खान को, अल्लाह हाफिज़।